पांडे जी, उधर विकास सिंह जी चाहिए, स्वागत की श्रृंखला को सम्मानित ग्रामवासी हैं जो माल्यार्पण करके स्वागत करें। माल्यार्पण के अंतिम श्रृंखला में ग्राम प्रधान ताहिरपुर से आग्रह है कि वो यशस्वी विधायक श्रीमान भूपेश चौबे जी, मैं आपको भारत माता की प्रकार का भेष बदल के देश में काम किया है, संघर्षों से जीता है। ये राजपाट घर परिवार में क्या मुकाबला करेंगे लोग, राहुल क्या करेंगे, दुनिया भर के लोग शराब घोटालों में फंसे केजरीवाल क्या करेंगे और दुनिया क्या करेगी। वो इतना महान व्यक्ति है कि घर में कई छोले में कई दिन का खाना रख करके मरता रहा इस धरती पर, आप बात कर रहे ऐसा देश का भाई। आज उत्तर प्रदेश की सेवा अपने सुख वैभव को छोड़ करके बाल्यकाल में ही गोरक्ष पंथ को अपना के दीक्षा लेकर के और योगी आदित्यनाथ ने कोई थोड़े सोच के अपना जीवन गोरक्ष पंथ में दिया था। संत हुए, साधु हुए, लोगों की मदद करेंगे और शुरू के उम्र से ही लोगों की मदद में संघर्ष के लिए जाने जाते रहे योगी आदित्यनाथ जी। आपको बताऊं, आज हर काम गलते की चोट पर योगी आदित्यनाथ करते हैं। महेंद्रनाथ पांडे उनके भाव में थी, उनका जीवन ऐसा संघर्षों का कि 25-26 वर्ष की उम्र में जब बांतर अवैधनाथ जी उनके गुरु जी सांसद थे गोरखपुर के, गोरखपुर में मानीराम में उपचुनाव था, मैं उस समय विधानसभा का चुनाव 93 का हार गया था, 91 में विधायक था और पार्टी का प्रदेश का जिम्मेवार कार्यकर्ता था, मुझे चुनाव में लगाया गया। गोरखपीठ पर मुझे खुशी है, आज आप सबको शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं कि मुझे भूपेश जी ने प्रेरित कर दिया, क्योंकि मुझे अभी जब लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आए थे तो मेरे व्यक्तिगत जिंदगी के सेवा के काम को 5 मिनट शायद भारत के सबसे चर्चित मुख्यमंत्री ने 5 मिनट महेंद्रनाथ पांडे के बारे में बोला, तो आज मैं बाबा जी के बारे में बोल रहा हूं। आज गोरखपीठ पर जब हम भी गए थे चुनाव में भेजे गए थे काम करने के लिए, जैसे आज पार्टी में जगह जगह लोग भेजे जाते हैं, जैसे यहां से मनोज सिंह भेजे गए हैं भदोही के अंदर काम करने के लिए, जैसे अभी हमारे अनिल तिवारी राम माणो जमानिया भेजे गए काम करने के लिए, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता भेजे हम भेजे गए थे। हमारे बनारस में राम प्रकाश जी को भेज दिया गया सोनभद्र आपके यहां काम करने के लिए, तो ऐसे भेजा जाता है। तो महंत अवैधनाथ ने कहा कि भाई हम चाहते हैं, ओम प्रकाश पासवान थे उनकी हत्या हो गई थी, मानीराम में उपचुनाव थे, शंभू प्रसाद जी पटेल हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे, तो महंत अवैधनाथ जी जब मठ पर गए कि हम चाहते हैं कि बाबा जी भी जब चुनाव प्रचार करें छोटे बाबा, इनको छोटे बाबा कहा जाए क्योंकि उत्तराधिकारी सीट थी, तो तय हो गया कि योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन उनके संग एक ठंडे दिमाग का नेता है साथ में लगा दीजिए क्योंकि अभी इनका दिमाग बहुत हमेशा गर्म रहता है। तो हम संयोग से वहां उठा बैठे थे थोड़े समय पहले, ये महेंद्र पाड़ी का नाम बड़े सुनते, बड़ा गंभीर आदमी है, काम करते हैं इसी आए काम के लिए, तो हम प्रण स्पर्श किए बाबा जी के दिए थे यहाँ भेजे गए आ रहे हैं पूरे चुनाव पर, तो बस नहीं को लगा दीजिए संभालते हुए सभाएं कराते हैं। तो 3 दिन मैंने योगी जी के साथ सभाएं होती थी, रचना मैं करता था, पहले शुरुआती भाषण मैं करता था, बाबा जी बोलते थे मेरा इंटरनल महंत अवैधनाथ जी कहा बाबा जी ज्यादा उग्र हो तो थोड़ा ध्यान, कोई बुराई बर्दाश्त नहीं हो गया जितना, कोई अपराधी का कोई बुराई बर्दाश्त नहीं, क्या तेवर था वो तेवर मैंने देखा। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री आज 8वां वर्ष चल रहा उनका,
आज उस मुख्यमंत्री का वही तेवर अत्याचारियों के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ भरा हुआ है। उस संघर्षों से आए, उस उम्र में मैं जेल में गया हूं, और यही बीएचयू के चीफ डॉक्टर ऑफिस पर मेरी पिटाई भी हुई पुलिस द्वारा, ये बताने के लिए कि कहां कहां आरएसएस का पत्र छपता है। मैंने जो है बड़ी लंबी कहानी नहीं बताऊंगा, मैंने कुछ भी नहीं बताया। फिर उस समय बीएचयू के वाइस चांसलर थे कालूलाल श्रीमाली, कालूलाल श्रीमाली एक नियम लगाए थे, अगर कोई छात्र पकड़ा जाए लिख के दे 21 रुपया जमा कर दे कि अब इंडो सोवियत मैत्री संघ के सदस्य है तो वो छोड़ दिया जाएगा, अधूरा माफीनामा लिख दिया। हमको भी सब लगाए पूरी जिंदगी बर्बाद हुई, पता नहीं आजादी का 5 साल कैसा, 10 साल चले, 4 साल चले, सड़ जाओगे, लिख दो। हमने देखिए हम कोई गलत काम नहीं किया, इंदिरा जी के विरुद्ध हमको नारा लगाया है, उन्होंने आपातकाल लगाया है, सभी नेताओं को बंद किया है, हमने सही किया, और हम जिसका संघ के विचारधारा के विद्यार्थी परिषद के आरएसएस के हैं, उनकी विचारा अच्छी है, लिखे पढ़े नहीं, ऐसे छोड़ना तो छोड़ दीजिए। तो इसके बाद भी लोगों ने छोड़ा है, उस समय भी 18 वर्ष की उम्र में विचारधारा विरोध करने था, कुछ पता नहीं कितने दिन रहूंगा, 6 महीने जेल बाद छूटा, 21 बार अपने जीवन में जेल गया हूँ। देश में संघर्षों के बीच से निकले हुआ कार्यकर्ता और आंदोलनों में गया, ऐसा कोई और काम नहीं जेल गया। देश का सबसे बड़े जन आंदोलन दूसरा हुआ अयोध्या में, जब मैं विधायक में नहीं था तब 90 में सबसे पहले मुलायम सिंह ने अयोध्या आंदोलन को कुचलने के लिए जो गिरफ्तारियां शुरू की उसको सबसे पहले मुझे गिरफ्तार किया सैदपुर से, और मुझे मेरे 6 लोगों को रासुका में बंद किया मेरे साथ। तो जीवन पीता है, यही जिस संघर्ष की बात कर रहे हैं, पुलिस के चलती हुई लाठीचार्ज में सबसे अधिक इन पर पड़ी थी, ये सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे थे युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, और वो संघर्ष पार्टी ने रंग लाया, पार्टी ने इनको वहां विधानसभा का 2-2 बार टिकट दिया, सांसद की जनता ने दिखाया, अभिनंदन है पार्टी का, वहां की जनता का भी, आज भी ये सेवा कर रहे हैं। और मैं जो याद होगा मैं इनको अपने शरीर से ढक करके उस दौरान इनको बचाने का काम किया पुलिस के डंडे, ये अलग बात है कि पुलिस भी जानती है उन्होंने मदद की जिंदगी अपनाई है, जब एक दो ठो लगा तीसरा चला तो उनसे के अधिकारी कहे अरे यार बड़ा मददगार नेता, हमारी माँ का इलाज कराया है, बस चला वो डंडा, फिर डंडा रुक गया, फिर हमारे पर भी रुक गया और सबका रुक गया, और कितने नेता तो मुरली मनोहर जोशी की धोती में घुस गए थे। मैं प्रदेश अध्यक्ष था लेकिन मेरी और पार्टी की मर्यादा रखी, मोदी जी की अपील की मर्यादा रखी कि मुझे मात्र 10 दिन प्रचार किया फिर भी आपने जिताया, और उन सबके आशीर्वाद फल स्वरूप मैंने आपकी और सबकी जो सेवा कर सका। मैं सजाने वाला आदमी हूँ, आप देख सकते हैं कि आज चंदौली में मैंने पिछले भिखारीपुर में जो कहा वही बात दोहरा रहा हूँ, बड़े कामों की जो चर्चा, रुके कामों को भी पूरा किया हूँ, नए मेरे किए कामों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन ये जो NS-19 है ये NS अटल जी की देन थी, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जब 2004 में अटल जी की सरकार नहीं आ पाई तो 2004 से और 2014 तक जो सरकार थी मनमोहन सिंह की वो केवल कांग्रेस की सरकार नहीं थी, यहां से जीते 2004 से 9 और 9 से 14 में, यहां 2004 में कैलाश यादव जी जीते, बसपा से 2009 में सपा से जीते, और ये दोनों पार्टियां दोनों कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मिलकर के कांग्रेस की सरकार चला रहे थे, ये केवल कांग्रेस सरकार नहीं थी लेकिन अपने कामों के चलते किसी को सुध नहीं थी कि इस सड़क का क्या होगा, कंपनियों का आपसी झमेला था, समाधान निकालना सरकारों का काम था। मैं जब 2014 में आया तब से संघर्ष करते करते और आज उसको परिणाम में बदला, और जब परिणाम में बदला तो सारे काम पूरे कराए, और आपको मेरी कल्पना रहती है कि या तो काशी में रोशनी इनमें लट्टू लगा के चल रहा है, या तो बंगाल में चलता है, और नहीं तो हमारे चंदौली में लट्टू लगा है। मैं क्षेत्र को सजाने के लिए चलता हूं, मुझे सजाने की बहुत सी तमन्नाएं हैं, अब यहां पर मुझे जानकारी है कि यहीं पर आप सबका हम सब लोगों का भोजन है, तो अब मैं ज्यादा न बोल के केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि हमें किसी प्रत्याशी में कोई टिप्पणी नहीं है,
बहुत सी चीजें लोग कहते हैं। मैं आज एक चीज पर टिप्पणी करता हूँ, क्योंकि मुझे इन लोगों ने बताया, मैं बोलना नहीं चाहता था। एक सज्जन अपनी अज्ञानता में कहीं भूल गए, जाके पांव में फटी फटी गवाहिता का जाने फिर एक प्रत्याशी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर देखा, अरे इनके बाल बच्चे रही है तो उनकी स्मरण शक्ति भी लगता प्रभावित हो गई है। मेरी एक बेटी है और मेरी बेटी के प्रसाद में प्रासन में मैं मंत्री था, यूपी का पंचायत मंत्री, वह भी सज्जन हमारे घर आए थे भोजन करने। ऐसा भी नहीं माननीय राजनाथ सिंह जी आए थे माननीय कर्नल जी, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ लोग अपने परिवारों के लिए राजनीति करते हैं। मैं चंदौली के जो मतदाता हूँ उनके परिवारों की राजनीति करता हूँ। मोदी का सिपाही हूँ, मोदी ने कहा सारा 140 करोड़ देशवासी मेरे परिवार, तो पूरी चंदौली लोकसभा के पांचों विधानसभा के बच्चे महेंद्र पांडे के बच्चे हैं। करने के बाद मीडिया के साथ ही गवाह, मीडिया ने मुझे पूछा कि अगला टारगेट क्या होगा, हमने कहा सिंचाई के कामों के रुके हुए और काम पूरे कराना, सारे प्रोजेक्ट को 7% रिजल्ट में बदलना जो मैंने शुरू किए हैं, अनंत प्रकार के और काम है, साथ में एजुकेशन के फील्ड में मैं और आगे काम करना चाहता हूँ और करके दिखाऊंगा, और करके दिखाऊंगा। विकसित भारत की यात्रा मोदी जी ने अमृतकाल में शुरू की है, मेरी जो कल्पना है आज मैं केवल 2 मिनट में 2-3 चीज खींच के चित्र रख देना चाहता हूं। पहले क्या किया 2014-19 वो आपको स्मरण होगा, 19 से लेकर के 24 क्या किया वो आपको स्मरण होगा, केवल इस साल अंतिम दौर में जो किया हूं वही आपको बता करके मैं एक दृश्य खींच देना चाहता हूं। बनारस से शुरू करता हूं, बनारस के अंदर जब मैंने रिंग रोड का मामला हल कराया और आज बनारस पूरा, कल्पना करिए एक शब्द होता है अंग्रेजी का एलिवेशन, माने आगामी चित्र की हमारी ये बिल्डिंग जिसका नक्शा बनाएगा कोई डिजाइनर, जब नक्शा बनाएगा तो आपको बता तो जब बोलेगा जब आपकी बिल्डिंग पूरी तैयार होकर खड़ी होगी तो कैसी लगेगी, इसको बोलते हैं एलिवेशन। मैं वो चित्र आपके सामने खींच रहा हूं, जब वहां पर धरने चल रहे थे हमारे एक दो सम्मानित नेता धरनों के साथ दे रहे थे, जो वकील साहब थे यादव जी वो उनको मुकदमा लड़ रहे थे, ना तो समझ रहे होंगे आप लोग सारी चीजें कर रहे थे, लेकिन मैंने गांवों को समझाया कि बदल जाएगी जिंदगी, और मैंने लोगों को जो बाईपास सैंक्शन करवाने में मदद की विजय ग्राम के डीएम से लेके अब तक, और उसका परिणाम हुआ कि आप देखिए बनारस कैसे बढ़ के आज रिंग रोड फेज 1 पर सीधे हरहुआ से संधा तक कैसे बढ़ रहा है, देख रहे हैं नहीं देख रहा है? हमारे चंदौली वाले तो सब बनारस नाम में जाके शादी करते। अब बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विराट व्यक्तित्व, गरीबों की सेवा, देश को चंद्रयान तक लेके अंतर्राष्ट्रीय जगत में, G20 कराना, भारत की दुनिया में धाक, अब सारा वर्णन करने में भोजन ठंडा हो जाएगा। इतने मान लीजिए कि आज सारे दुनिया में इतना था, अब ये जितने उनके विपरीत लड़ रहे हैं शरद पवार, राहुल गांधी, केजरीवाल, केजरीवाल, अब वो जो है क्या नाम है उसका अखिलेश, दुनिया भर में कोई परछाई भर नरेंद्र मोदी को नहीं, कोई परछाई भी है नहीं, तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का क्या रास्ता है? वोट देना और वोट दिलवाना, एक सांसद को जिताना है, बगल में अभी उसका डिक्लेयर होगा, गठबंधन का सीट है रावणसेन में जिताना, गाजीपुर में इसका उसको जिताना, सारे रिश्तेदारों को फोन करना और यहाँ एक एक कमल की बटन 1 जून को भारी मतदान करके गर्मी का दिन सुबह सुबह आपके सेवक को जिताना। तो भाइयों इतना मतदान कि जीता के भेजिए ताकि मैं भी कहूं कि मोदी जी
और आप इतना तो जानते हैं कि उनके बगल में बैठने का मेरा नेतृत्व मोदी जी आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये कौड़ी के लोग नियमताबाद के लोग सारे अगल बगल के गांव के लोग ये भारी ओर लेकर मुझे भेजे हैं ताकि मोदी जी आप प्रधानमंत्री बन जाए। ये हमारे क्षेत्र की जनता का अधिकार है। और मित्रों भारत की राजनीति में पहली बार एक ऐसी पार्टी एक ऐसी सरकार है जो काम करके वोट मांग रही है, वायदे करके वोट नहीं मांग रही है, काम करके वोट मांग रही है और काम करने का भरोसा दे रही है। ऐसे भारतीय राजनीति को एक नए युग में नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं। भरपूर उनका समर्थन करिए और योगी जी उसमें कंधे से कंधा मिला रहे हैं। सारी टीम योगी जी की लगी है, चाहे केशव जी हो, ब्रजेश जी हो, भूपेन्द्र चौधरी हो, ये सभी लोग लगे हैं। एकजुट होकर के भारी मतों से कमल की बटन दबा के जिताइए ताकि हम लोग इस 1 जून के बाद जो 4 जून के परिणाम के बाद मैं नए सिरे से और मैं आपको एक और भरोसा देता हूं। पिछली बार मैं केवल 10 दिन घूमा था, आपने मुझे कठिन संघर्ष में जिताया। इस बार मैं लगातार चल रहा हूं, 14 से भी ज्यादा गांव तक जाऊंगा, लोगों से संवाद के नए नए तरीके इजाद कर रहा हूं। आपको इस बार बिल्कुल संवाद का एक आधुनिक टेक्नोलॉजी का सारा तरीका और नए सिरे से इस तरह चंदौली को फिर से अध्ययन कर रहा हूं, चंदौली को संवार के रख दूंगा। ये मेरा आपको वचन है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस का कहना है कि उनके अध्यक्ष ने कहा कि घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। क्या रिएक्शन है? आज मोदी युग में सारे गरीबों को उनका हक और न्याय मिल रहा है, देश के नौजवानों को, सभी बड़े बुजुर्गों को उनका हक मिल रहा है। मोदी युग में कहीं से न्याय बाधित नहीं है। कांग्रेस जिसने इस देश में आपातकाल लगाया और आज तक आपातकाल के लिए कभी खेद नहीं व्यक्त किया, कभी क्षमा नहीं मांगी, और जहां मुखौटे के रूप में खड़गे अध्यक्ष हैं, पीछे से कोई और काम करता है, उनका यह घोषणा पत्र कोरी बकवास है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का आरोप है कि एनडीए जो है संविधान को खतरा पैदा कर रही है, हम जो एनडीए है वो संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। संविधान के अनुसार ही चुनी हुई सरकार के अगुआ है नरेंद्र मोदी और संविधान के ही मर्यादाओं के दायरे में आज नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को जिन्होंने इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया, संविधान निर्माता अंबेडकर के भी 5 स्मरणीय स्थान पंचतीर्थ के रूप में मनाया नरेंद्र मोदी ने, राहुल गांधी क्या बताएंगे, क्या टिप्पणी करेंगे? जो परिवार के लिए, खानदान के लिए दिल्ली की जमीन और खानदान के लिए चाहता था देश, और नरेंद्र मोदी आज सुभाष चंद्र बोस को भी स्थान दे रहे हैं, सरदार पटेल को भी स्थान दे रहे हैं, महात्मा गांधी के विचारों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। वह आज स्वयं नए संसद भवन को बनाने के बाद पुराने संसद भवन को संविधान सदन के रूप में घोषित किया है। वह नरेंद्र मोदी संविधान के संरक्षक हैं। यह राहुल गांधी निराधार बोल रहे हैं और जनता इस चीजों को समझ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल कह रहे हैं कि वहाँ पर जनता काफी कष्ट में है, कामकाज ठीक से नहीं हो रहा है और केजरीवाल इस्तीफा नहीं देने पड़े हैं, इस पर क्या कहें? केजरीवाल निर्लज्जता की पराकाष्ठा कर रहे हैं, केजरीवाल की कलई खुल गई है। पंचतंत्र की कथा के अनुसार मैं पुनः दोहराता हूँ कि कड़ाहे में गिरा सियाल नीला रंग से रंग गया, जंगल का राजा कुछ दिन के लिए बन गया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंधा हजारे के आंदोलन की उपज महाभ्रष्टाचारी निकला, ईडी के कानूनी शिकंजों की बरसात से उसके सारा नीलापन धुल गया। इस निर्लज्जता को छोड़ के दिल्ली के जनता के तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए और ना स्वयं जनता उनका जवाब देगी और केजरीवाल यह निर्लज्जता छोड़े। भारत के अंदर पहले वो मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में हैं, उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। संजय सिंह जेल से बाहर आते ही बीजेपी पर हमला बोला कि जो दिल्ली में शराब घोटाला दुनिया घोटाला हुआ है वो बीजेपी ने किया है। संजय सिंह ने ऐसा बोला है, सरकार उनकी 10 साल से चल रही है और बीजेपी ने घोटाला किया, तो ये जो नीतियां बनाया
वो संजय सिंह जिसमें जमानत होना एक अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने पर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन संजय सिंह को कम से कम मुझे लगता है कि जेल में रहने का कुछ दुष्प्रभाव उन पर पड़ गया है, इसलिए वो प्रलाप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव पर जनता दल खत्म हो जाएगी। अब राजद के सुशिक्षित नेता तेजस्वी यादव राजद की एकजुटता से परेशान है, वहां सारी की सारी लोकसभा सीटें राजद गठबंधन जीतने जा रहा है।